आज का जो ACT देसी का एपिसोड मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल चीज़ भी हो सकती है अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, लेकिन मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ बोलने से पहले कि जो आज का ACT देसी का एपिसोड है, इट इज़ नॉट बीइंग क्रिएटेड टू स्टर एनीबडीज सेंटिमेंट्स और एनीबडीज बिलीव्स सिस्टम। ये जस्ट मेरे अपने परव्यू में आया और मैं भी इसका पार्ट हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं और जिसके बेसिस पे मैंने सोचा कि एक शो बनाना चाहिए आप सबके लिए जिसमें मैं बात कर सकूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको हम सुपरस्टिशन कहते हैं सो कॉल्ड, लेकिन कुछ चीज़ों के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है और कुछ चीज़ें बस चली आ रही हैं जो हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको बताया और वो जैसे प्रथा चली आ रही है वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो आज के ACT देसी के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सुपरस्टिशन जो हमारे इन एंड अराउंड होते हैं और हमारी अपनी लाइफ में भी हम फॉलो करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि उनका मतलब क्या है और क्या हम फॉलो कर रहे हैं बिना कुछ सोचे। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आर्जे विकास के साथ और ये है ACT देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 3 बजे इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वनकम, केम छो। एक इरिटेटिंग हैबिट हमारे आसपास कभी कभी हमें देखने को मिलती है कि जब हम बैठते हैं और अपने जो हमारा पैर होता है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि अप डाउन या साइडवेज, या हम सिर्फ उसको शेक करना शुरू कर देते हैं। ये देखने में ही थोड़ा सा डिस्टर्बिंग नहीं होता, बट ये हो सकता है रीज़न कि बंदा जो सोच रहा है कुछ या इसके कहीं पे कोई आया है किसी से मिलने के लिए, वो थोड़ा एंग्शियस है, नर्वस है, कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये कहा जाता है, ये सुपरस्टिशन है, ये कहा जाता है कि अगर आप अपना पैर हिला रहे हैं या शेक कर रहे हैं तो आपकी वेल्थ है वो किसी और के पास चली जाएगी। आई डोंट नो कितना सच है, क्योंकि अगर पैर हिलाने से या वॉक करने से, इनफैक्ट बिना हिलाए तो आप वॉक भी नहीं कर सकते, तो अगर आप वॉक करने से या शेक करने से आपकी वेल्थ किसी और के पास चली जाती है तो आई डोंट नो इतने सारे लोग कोई भी अमीर कैसे हैं। बहरहाल ये एक सुपरस्टिशन है, इसका शायद कोई लॉजिक है या नहीं मुझे नहीं मालूम, थोड़ा और रिसर्च करूंगा तो शायद पता चल भी जाए। अगर आपको कुछ पता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए मेरे शो पे और मुझे बताइए कि क्या जानते हैं आप इस शेकिंग ऑफ योर लेग के बारे में, बिकॉज मुझे तो इतना पता है कि अगर आप अपनी लेग सही से बीट पे शेक करेंगे तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा फन और आ जाएगा। ऐसी ही कुछ और सुपरस्टिशंस और ऐसी बातें जो हम फॉलो करते हैं डे टू डे लाइफ में विदाउट रियलाइजिंग, उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप है मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है ACT देसी। आज के ACT देसी के एपिसोड पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हम फॉलो करते हैं, शायद उनके बारे में हमें पता है या हमने कभी जानने की कोशिश की और फिर भी फॉलो कर रहे हैं, या हमने जानने की कोशिश नहीं की और हमारी फैमिली से पुश्त चली आ रही है, ये चीज़ हमको बताया है, हमने देखा है अपने आसपास होते हुए तो हम वो चीज़ें फॉलो करते हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि अगर आप अपनी लात हिला रहे हैं, शेक कर रहे हैं बैठे हुए, तो आपकी वेल्थ किसी और के पास चली जाएगी। अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए तो प्लीज़ मेरे पास आइए, मेरे फेसबुक पेज पे जो है ACT देसी FM या इंस्टाग्राम पे भी सेम हैंडल पे आप मुझे फाइंड कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ऑन माई ईमेल ID विच इज़ info@content-artist.com। चलिए अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं जो बहुत ही पिक्यूलियर है और पर्टिकुलर है एक्चुअली में, और इंडिया में ही नहीं काफ़ी जगहों पे इसको फॉलो किया जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप खड़े हैं और सडनली आपके सामने से एक बिल्ली रास्ता काट गई, और अगर वो बिल्ली खुदा ना खास्ता काली हो तो और भी ज़्यादा आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो हमको वेट करना चाहिए। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत टाइम तक मैं भी ये फॉलो करता था कि बिल्ली बेचारी रास्ता क्रॉस कर गई और अब मैं किसी का वेट कर रहा हूँ कि कोई मेरे से पहले जाए जिसने नहीं देखा है ये रास्ता क्रॉस किया हुआ बिल्ली को, या कुछ एक ही
बहुत सिली से चीज़ें होती थी जो मैंने देखी अपने बचपन में होते हुए, कि अगर आप बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर आपने बिल्ली आपका रास्ता काट गई है तो अगर आप वहाँ पे स्पिट करेंगे तो जो आपका रास्ता बिल्ली ने काटा है वो उसको काट देगा, तो आप फिर क्रॉस कर सकते हैं अपने पाथ को। लेकिन सुनने में आया और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी इसके बारे में कि वेस्टर्न कल्चर्स में भी माना जाता है कि ब्लैक कैट जो है वो ईविल को रिप्रेजेंट करती है। इनफैक्ट इजिप्शियन कल्चर में ब्लैक कैट रिजेंबल्स और सिंबलाइजेस द ईविल, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई थिंक ये प्रथा एक दूसरे कंट्रीज में सर्कुलेट होते होते आप तक भी पहुंच गए। और अगर आप आज भी ये फॉलो कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ कि बिल्ली आपका रास्ता काट गई और आपका कुछ गलत हो गया हो, क्योंकि बेचारी बिल्ली का क्या कसूर, उसको भी तो चल रहा है सड़क पे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप है मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है ACT देसी। हफ्ते के दिनों को लेके बहुत सारे सुपरस्टिशन है। आई थिंक इट इज मोर रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीफ, बिकॉज सुपरस्टिशन कभी कभी कल्चर से आते हैं, कुछ रिलीजियस बिलीफ से आते हैं जो बहुत पहले फॉलो की जाती थी जब टाइम थोड़ा और था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत है या कुछ सही है, बिकॉज जिस टाइम पे वो चीज़ें बनी थी, जिस टाइम पे वो चीज़ें फॉलो होती थी, उनका कुछ मतलब होता था, कुछ सिग्निफिकेंस होता था। लेकिन आजकल के टाइम में वो रेलेवेंट है कि नहीं, ये आपको सोचना है या आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है। बहरहाल मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना जो मैं देखता हूँ, जो मैं अब्जॉर्ब करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो अगली चीज़, जैसे मैंने बताया कि दिनों को लेके बहुत सारी चीज़ें मानी जाती हैं, जैसे सैटरडेज को बाल नहीं धोने चाहिए या मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए या बाल नहीं काटने चाहिए, ऐसी चीज़ें आई थिंक रिलेटेड है बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ सर्टेन रिलीजियस बिलीफ दैट वी हैव। दे डू हैव सर्टेन सिग्निफिकेंस इन द कल्चर्स एंड आई एम नॉट वंस अगेन सेइंग दैट इट्स समथिंग दैट आई एम टॉकिंग और डिमीनिंग समवन और डिमिनिशिंग द रिलीजियस बिलीफ, बट आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट आउट टू यू दैट there are certain beliefs that are followed, but if you are following it, do you really know the significance? And if you know something about it, please feel free to share with me on my ACT Desi Facebook page, जिसे हम सब और जानेंगे। और क्यों नहीं, अगर कुछ चीज़ों का significance है तो follow करने में कोई बुराई नहीं है, और अगर कुछ चीज़ों का significance नहीं है, हम just सिर्फ आंखें बंद करके ही follow कर रहे हैं, तो I think हमको अब आंखें खोलने का time आ गया है। ACT देसी पे आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम फॉलो करते हैं, जिनको हम कहते हैं सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कुछ कभी कभी लॉजिक नहीं होता, क्योंकि हम फॉलो करते आ रहे हैं तो हम फॉलो करते हैं और चैलेंज नहीं करना चाहते किसी चीज़ को, बिकॉज चैलेंज करके किसका भला हुआ है। बहरहाल कोई बात नहीं, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले दो तीन चीज़ों के बारे में आपसे बात की, तो एक तो चीज़ थी उसके अंदर कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, या आप बाल ना धोएं या ना काटें या नाखून ना काटें ट्यूसडेज या सैटरडे को, या नॉन वेज ना खाएं, और उसके अलावा जैसे अगर आप अपना पैर हिलाएंगे तो आपकी वेल्थ किसी और के पास चली जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं, कभी कभी हम सोचते भी नहीं उनके बारे में और जस्ट फॉलो करते हैं, कहते हैं कि चला आ रहा है, इसको क्वेश्चन क्यों करना है, और जस्ट लेट जस्ट गो विद इट। तो जो अगली चीज़ के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो ये है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है एक नंबर को लेके। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और उसका सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नंबर बेस्ड। सात समुंदर, सात सुर हो या ग्रह हो या दिन हो, नंबर्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। बट एक नंबर ऐसा है जिसको बहुत सारे कल्चर्स में और बहुत सारे रिलीजन में और बहुत सारे एनवायरनमेंट में पूरा माना जाता है, और सर्टेन टाइम्स तो उसको शुभ कार्यों से निकाल दिया जाता है। और ऐसे नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, शायद आप जान भी गए हो, जिसको हम कहते हैं नंबर 13। नंबर 13 को अनलकी माना जाता है, जैसे मैंने बताया कुछ कल्चर्स में, कुछ रिलीजन में। और ऐसा कभी कभी हुआ है आपके साथ कि आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में गए हो? इनफैक्ट मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि मैं इंडिया में जब था तो मैंने देखा कि नंबर 13
का फ्लोर और नंबर 13 का घर होता ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई उस घर को लेना नहीं चाहता, और ये बिलीफ है जिसको मानते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी बिलीफ दैट दे हैव, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई एम जस्ट ब्रिंगिंग यू द फैक्ट्स दैट आर देयर इन आवर लाइफ व्हिच समटाइम्स वी यू नो इग्नोर, व्हिच जस्ट समटाइम्स वी फॉलो ब्लाइंडली। बट इफ यू नो समथिंग अराउंड नंबर 13 एंड लुक, आई एम जस्ट सेइंग दैट कुछ लोगों का बर्थडे 13th को होता है, तो क्या वो अनलकी होते हैं? I don't think so. I know so many people who are born on this particular date, but they are very lucky, endearing souls. Numbers में ही बात चल रही है तो एक और number जिसको incomplete कहा जाता है, इनफैक्ट मैथमेटिकली भी उसको कहते हैं कि 8 like infinity, and 8 is a number which is very incomplete. तो 8 number को unlucky भी माना जाता है कुछ हद तक, जिसमें बोला जाता है कि अगर आपका number 8 है तो आप पूरे नहीं हैं, you know, you are incomplete, and then your life will be full of struggle, stress, limitations, or so on and so forth. Agar aapka birthday bhi 8 tarikh ko aata hai, to please, you know, come up to me and share your experiences if you had any, jisme aapko laga ki aapki life mein dusro ke mukable mein zyada problems aa rahi hain, aur agar aapko lagta hai ki aisa nahi hai, तो प्लीज ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड यू नो शेयर योर लाइफ एक्सपीरियंसिस विद अस, सो दैट सर्टन पीपल यू नो हु फील दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड दिस इज व्हाट इट इज प्रोबेबली यू नो वी हैव सम डिस्कशन पॉइंट। बहरहाल नंबर्स पे तो हम चलते रहेंगे और नंबर्स के बिना जिंदगी अधूरी है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमारे पास एक चीज है जो इस एक्सपीरियंस को आपके पूरा करती है, वो है एक बढ़िया सा गाना जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसीटी देसी पे। सुनिए ये गाना और एंजॉय कीजिए। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आर्य विकास के साथ, और ये है एसीटी देसी। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं हमारी लाइफ में जो यू नो एक्सपीरियंस के थ्रू बनती हैं, और एक्सपीरियंस के थ्रू उन चीज़ों को कहावतों में, idioms में और प्रोज में बोला जाता है, और कई बार यूज़ भी किया जाता है colloquial लैंग्वेज में, हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। एक फ्रेज आपने सुना होगा बहुत बार अपनी लाइफ में ग्रोइंग अप या अपने आसपास, जिसको बोलते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ पुराने टाइम में ऐसा लोगों ने फील किया होगा कि अगर दो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो यू नो इट कैन बी फ्रूटफुल बिकॉज one person is talking, the other person is listening, but if there is a third person who is in the conversation and who has no role to play in it, maybe that person is there just to create the disturbance. So agar aisa hua hoga experiences mein logon ke sath, to unhone ye kahawat banayi ki teen tigada kaam bigada. Lekin ek aur bhi jo film ya ek aur bhi book jo Three Musketeers ke naam se jana jata hai, उसमें भी तो तीन कैरेक्टर्स थे, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, और वो तीन कैरेक्टर्स मिल के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे या यू नो चीज़ों को करते थे। तो आई थिंक देर इज यू नो बोथ साइड्स ऑफ अ कॉइन, एंड यू नो व्हाट यू बिलीव इज ऑन टू यू। बट एक और चीज़ जो मुझे अभी फिलहाल याद आती है कि बचपन में बोलती थी मम्मी, बोलती थी कि शाम के टाइम पे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अब शाम के टाइम पे झाड़ू ना लगाने का क्या सिग्निफिकेंस है? ऑब्वियसली इट इज़ अबाउट यू नो क्लीनिंग द हाउस, ऑब्वियसली वेन एवर यू हैव टाइम यू कैन डू दिस, बट बिकॉज ऑफ हाइजीनिक रीजंस इट्स बेटर टू स्टार्ट डूइंग स्टफ लाइक क्लीनिंग योर हाउस इन द मॉर्निंग वेन इट इज डे लाइट एंड यू कैन सी प्रॉपरली, यू नो घर को अच्छे से आप साफ कर सकते हैं, अपना दिन प्लान कर सकते हैं, बिकॉज पूरा दिन आपको उस घर में अगर रहना है तो। लेकिन इसके पीछे एक और सिग्निफिकेंस भी है कि मैंने पढ़ा था कहीं पे, हो सकता मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन ये जो प्रथा चली आ रही है जिसको हम बोलते हैं कि शाम के टाइम झाड़ू घर से बाहर नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न ये था कि पुराने टाइम में जब ज्वेलर्स होते थे और वहाँ पे लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो ज्वेलर्स क्योंकि वो ज्वेल बनाते हैं उसमें गोल्ड का यूज़ करते हैं, तो उसमें शेविंग्स ऑफ गोल्ड होती है जो कभी कभी बनाते बनाते फाइन, और वो नीचे दरी में ज़मीन पे छोटे छोटे शेविंग्स गिर जाते हैं। तो इमेजिन कीजिए अगर आप डे इन डे आउट वो शेविंग्स गिर रहे हैं, और आप शाम के टाइम पे जब अंधेरा होता है, जब रोशनी नहीं होती प्रॉपरली, उस टाइम पे जब लाइट नहीं हुआ करती थी, तो अगर आप झाड़ू निकाल रहे हैं बाहर की तरफ तो आप प्रेशियस गोल्ड मेटल को बाहर कर रहे हैं। तो इसीलिए आई थिंक ज्वेलर्स ने ये प्रथा बनाई थी
कि आप शाम के टाइम में झाड़ू घर से बाहर नहीं करेंगे, आप सुबह के टाइम करेंगे, सो दैट यू कैन सी व्हेन यू एक्युमुलेट द डर्ट एंड सी हाउ मच गोल्ड इज इन देयर। तो अगर आपकी भी डर्ट में थोड़ा सा कुछ गोल्ड है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए और आइए मेरे साथ इस शो पे। ये आपका अपना शो है जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 3 इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। अब आप सुन सकते हैं इस शो को मेरी वेबसाइट पे जो है content-artist.com या आप 2XXFM पे जाके मेरे पेज पे भी सुन सकते हैं ऑन डिमांड एनी टाइम। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और बढ़िया सा गाना। ये मेरी आंख बहुत फड़क रही है पता नहीं क्यों, और ये लेफ्ट वाली है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपकी आंख फड़क रही हो और आपने ये सोचा हो कि अरे यार मेरी दाई आंख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होने वाला है, या बाई आंख फड़क रही है तो कुछ खराब होने वाला है, कभी सोचा ना आपने? झूठ मत बोलिएगा, ज़रूर आपने कभी ना कभी ऐसा सोचा होगा। और सोचते कि रीज़न भी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, हम देखते हैं, यू नो, बात करते हैं, देखते हैं, यू नो, अब्जॉर्व करते हैं अपने आसपास चीज़ों को होता हुआ देखते हैं, तो फिर हम भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं, बिकॉज यू नो फॉलोइंग समवन इज़ ईजी, चेंजिंग समवन इज़ डिफ़िकल्ट, और चेंजिंग अ थॉट इज़ डिफ़िकल्ट, एंड इट ब्रिंग्स एक्चुअली लॉट ऑफ लेस टेंशन व्हेन यू हैव टू क्वेश्चन समथिंग, राइट? यू जस्ट गो विद द फ्लो। इट्स परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल, आजकल की यू नो जिंदगी बहुत टफ है और टाइम नहीं है किसी के पास भी कुछ चीज़ को चेंज करने का, कुछ चीज़ को जो एग्जिस्टिंग चली आ रही है उसको मोल्ड से हटाने का। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आई स्विचिंग होने के वजह से आपका कुछ गलत हुआ है कभी, या कुछ हुआ है किसी और के साथ, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही एक और चीज़ जो ज़रूरी नहीं है कि जो गंदी दिखने वाली या गंदी फील करने वाली, महसूस करने वाली चीज़ वो गंदी ही हो। इसका एग्जांपल ये है कि बोला जाता है कि अगर आप कुछ शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं और अगर आपके ऊपर कौवे ने ड्रॉपिंग कर दी, यानी कि इफ़ यू हैव बीन ड्रॉप्ड अ बॉम्ब ऑन योरसेल्फ बाय अ क्रो व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग गुड, इट्स अ गुड ओमेन, और आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। क्या आप जानते थे ये बात? अगर आपने कभी ये महसूस किया है या कभी किसी ने आपको ऐसा बोला है तो प्लीज़ शेयर विद मी उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि कौवे इंडिया में कम नहीं है और बर्ड ड्रॉपिंग तो बर्ड ड्रॉपिंग है, बेचारे को क्या पता कि वो किसी के ऊपर जाके करेगा तो कुछ अच्छा उसके साथ हो जाएगा। अगर अच्छा होता है तो वेरी गुड, यू नो, जस्ट हैव टू क्लीन योर क्लोथ्स आफ्टर दैट, दैट्स इट, एंड डोंट बी वेयरिंग ब्लैक और डार्क कलर क्लोथ्स। बहरहाल ऐसी ही बहुत सारी और चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं और कुछ एक चीज़ें बची हैं जो मैं बात करूंगा आपके साथ इस ब्रेक के बाद। जाने से पहले कहीं जाइएगा नहीं, आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है एसीटी देसी सुपरस्टिशन स्पेशल। आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपकी कुछ यादें ताज़ा हो गई होंगी या आपको कुछ ऐसी चीज़ें याद आ गई होंगी जो आपने देखी अपने आसपास होते हुए, लोगों को करते हुए, और आपको लगा होगा कि अरे यार ये तो मैं भी करता हूँ, और उसका क्या लॉजिक है क्या लॉजिक नहीं है। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो ये आपकी विश है, आपकी लाइफ है। आई वॉज जस्ट एज आई सेड शेयरिंग समथिंग एंड समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू यू माई लवली ऑडियंस। तो जाने से पहले कुछ कपल ऑफ थिंग्स जो मेरे दिमाग में है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि नज़र उतारना या नज़र बचाना, स्पेशली ऐसी चीज़ों की जो आपके लिए प्रेशियस है, चाहे वो आपकी नई गाड़ी हो या आपका बच्चा हो जिसको आप पहली बार पब्लिक गैदरिंग में लेके जा रहे हैं, आप ज़रूर करते हैं कि कान के पीछे या यहाँ पे माथे पे प्रोमिनेंट एक काला टीका लगा देते हैं ताकि इट्स लाइक ईविल को या ईविल आई को बचाने के लिए, ईविल आई से बचने के लिए वो लगाया जाता है। और जाने से पहले जो एक अडल्ट के लिए जो लोग स्पेशली इंडिया में फॉलो करते हैं, आई थिंक मैंने देखा है अपने फादर को भी करते हुए, कि अगर शाम का टाइम है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, या हफ्ते का कोई भी दिन है, अगर आप बैठे हैं और अगर आपके हाथ में आपका फेवरेट जाम है
तो आप जाम का पहला सिप लेने से पहले आप अपनी एक फिंगर से उसमें यू नो डिप करते हैं और आप उसको थोड़ा सा बाहर छिड़क देते हैं। आई थिंक ये एक काइंड ऑफ रिचुअल है जो फॉलो किया जाता है कि जैसे कहते हैं कि एक अच्छी चीज़ का दान दिया जा रहा है। आई डोंट नो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए और हम सब के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज अच्छी चीज़ को शेयर करना बनता है। तो इसी के साथ मैं आज का ये एसी टू एसी का शो खत्म करता हूँ इस गाने के साथ, जो कि बहुत रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर लास्ट टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।